सो एज यू कैन सी गाइज की मेरी फेस में जो है अभी वो स्कार्स मौजूद है मुझे मिनिमल प्रोडक्ट्स भी यूज़ करना है क्योंकि ये होने वाली है एक एवरी डे मेकअप एंड साथ ही साथ मुझे इस स्कार्स को जो है उसे भी छुपाना है तो सबसे पहले स्किन केयर मैं कर लूंगी क्योंकि स्किन केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू क्योंकि यही तय करता है कि आपका मेकअप कितनी देर तक लॉन्ग लास्ट करेगा एंड साथ ही साथ आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा उसके बाद मैंने यहाँ पे लिप प्रिंट अप्लाई किया है क्योंकि मेरी जो लिप्स है वो नेचुरली थोड़ी सी पिगमेंटेड है ना बारी आती है बेस की सबसे पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ की ये ट्रू ज्वेल 24 के गोल्ड प्राइमर नाउ ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट प्राइमर्स एंड डेफिनेटली आई वुड से द मोस्ट लग्जूरियस प्रीमियम फेस प्राइमर एट अ ब्यूटीफुल प्राइस रेट इज हेयर फॉर यू दिस इज पर्पल 24 के गोल्ड पार्टिकल्स प्राइमर विथ रियल 100 परसेंट गोल्ड फ्लेक्स विच आर नोन टू गिव ब्यूटीफुल गोल्डन ग्लो तो अभी मैं इस प्राइमर की खासियत आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पे मैं बेयर स्किन हूँ एंड एज यू कैन सी मेरी फेस पे कितने सारे ओपन पोर्स हैं साथ ही साथ जो स्किन है वो काफी ज्यादा अनईवन है तो फेस की एक साइड में मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाली हूँ ये पर्पल की ट्वेंटी फोर के गोल्ड प्राइमर एंड उसे मैं अच्छी तरीके से मसाज कर लूंगी एंड जब मैं इसको मसाज कर रही हूँ यू कैन सी द डिफरेंस क्लियरली कि मेरी फेस जो है वो कितना ज्यादा मैटिफाइंग हो गया पोर्स जो है वो मिनिमाइज हो गया साथ ही साथ जो स्किन है वो भी इवन हो चुका है जहां पे अदर साइड जहां पे मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया था वहां पे पोर्स अभी भी विजिबल है एंड साथ ही साथ स्किन जो है वो अन है एंड ऑल्सो इट इज अट फिनिश प्राइमर नाव आई विल शो यू मेरी फेस की एक तरफ जहाँ पे प्राइमर मैंने अप्लाई किया था उस साइड पर मैं यहाँ पे यू नो कंसीलर अपलाई कर रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ ये एक एवरी डे मेकअप है तो मुझे डेली बेसिस पे फाउंडेशन लगाना पसंद नहीं है तो एक साइड पे मैंने यहाँ पे कंसीलर अप्लाई कर दिया है एंड दूसरी साइड पे भी मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ लेकिन सिर्फ और सिर्फ फर्क इसी चीज पे है कि इस साइड पे मेरी कोई भी प्राइमर या तो फिर कोई भी यू नो क्रीम मॉइस्चराइजर नहीं है नाव यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने इसे ब्लेंड कर रही हूँ आप लोग देख सकते हो कि कितनी अच्छी तरीके से ये मेरी फाउंडेशन को ब्लेंड कर रहा है साथ ही साथ इसमें आपको जो गोल्ड पार्टिकल्स मिलती है ना उसकी वजह से स्किन में एक विद इन सा नेचुरल ग्लो भी प्रोवाइड करता है तो मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से अप्लाई कर दिया है नाउ बारी आती है इस सेक्शन की इसको भी मैं उसी ब्रश की मदद से अच्छी तरीके से अप्लाई कर लूंगी एंड आप देख सकते हो कि ये प्रॉपर तरीके से ब्लेंड नहीं हो रहा है जिस तरीके से यू नो सीमलेसली उस साइड पर ब्लेंड हुआ था तो बहुत कोशिशों के बाद मैंने इसको ब्लेंड कर दिया है बट फिर भी अभी भी मेरी जो स्किन है वो अनइवन है स्किन में जितने भी सारे ओपन पोर्स थी वो भी विजिबल है तो आप समझ सकते हो कि ये प्राइमर हमारी स्किन के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिर्फ यही नहीं गाइज ये आपकी पोर्स को मिनिमाइज करने के साथ साथ आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है एंड इट्स ऑल्सो लॉन्ग लास्टिंग योर मेक एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट अ प्राइमर वर्क बेस्ट ऑन क्लीन मॉइस्चराइज स्किन गिव योर मॉइस्चराइज स्किन एट लीस्ट फाइव मिनट्स बिफोर अपलाइंग इट यूज अ थिन लेयर वेट फॉर सिक्सटी सेकेंड एंड लेट द प्राइमर सेट बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप डेफिनेटली आप भी चेकआउट कर सकते हो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोडक्ट की लिंक प्रोवाइड कर दूंगी नाउ बारी आती है अभी बेस की तो यहाँ पे बेस के लिए मैंने कंसीलर को अच्छी तरीके से मेरी फेस पे अप्लाई कर दिया है एंड उसे सेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मैक की स्टूडियो फिक्स और पूरी फेस पे बहुत ही लिटिल सा अमाउंट में लेते हुए मैं इसे अप्लाई कर दूंगी अगर आप काउंटोर की पार्ट को यू नो स्किप करना चाहते हो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट बट मुझे काउंटोरिंग पसंद है क्योंकि मेरी जो फेस है वो अभी थोड़ी सी चवी है तो अपनी फेस को मैं यहां पे कॉन्ट्रोल कर रही हूं साथ ही साथ मेरी नोज को भी एंड ब्लश के लिए मैं एक कोरल काइंड ऑफ ब्लश ले रही हूँ क्योंकि मॉनसून you know, के टाइप पे ना यू नो न्यूट कोरल इस तरीके की ब्लश बहुत ज़्यादा सूट करता है तो अच्छी तरीके से मैं अपनी जो एप्पल ऑफ द चीक्स है एंड नोज है वहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया है एंड लास्टली हाईलाइटर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पर्पल की डूएल हाईलाइटर ये स्टिक हाईलाइटर है इसी वजह से आपका जो हाईलाइटर है वो मानसून में बारिश में कहीं पर भी नहीं हिलने वाला एंड एट द सेम पॉइंट मैं सेम हाईलाइटर को अपनी आई के ऊपर भी अप्लाई कर रही हूँ लाइक एज एन आई शैडो और उसे थोड़ा सा ब्लेंड कर दूंगी ना इसे और भी देने के है। उसके करीब -करीब मैं इसे प्लेस करती अगर आप चाहो तो आप इस को भी स्किप कर सकते हो लाइक डेली बेसिस आई शेडो लगाना पसंद नहीं भी करते हैं तो ये बस मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसीलिए किया एंड देन उसके ऊपर से अप्लाई कर रही हूँ इंस्टा लाइनर ये वाटर रेजिस्ट डिस्टेंस है तो आपकी आंखों से ये भी नहीं हिलने वाला लेकिन मैं डेफिनेटली आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि इसे लगाने के बाद आप बार बार पानी में ना जाओ या तो फिर आपकी आंखों में पानी ना लगे एंड साथ ही साथ आई को फिल करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ब्राउ पोमेंट ना हो ब्राउ पोमेंट जो होती है ना गाइस वो पाउडर से काफी ज्यादा यू नो स्टिकी होता है तो मानसून के टाइम पे अगर आप ब्राउ पोमेंट यूज करोगे इंस्टेड ऑफ एनी काइंड ऑफ यू नो ब्राउ पाउडर तो आपकी आई पे वो काफी टाइम तक रहता है तो मैंने अपनी आईब्रोज को नेचुरली फिल कर लिया है एंड उसे एक स्पूली की मदद से कोम कर लिया है नाउ आई लैशेज के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूं एक वाटर प्रूफ मस्कारा आप कोई भी वाटर प्रूफ मस्कारा में जा सकते हो लेकिन मे की जो कोलोसल या तो फिर अम, जो फॉल्स लैशेज आती है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रहता है लिप्स के लिए मैं डेफ़िनेटली आप लोगों को एक न्यूट कलर ही सजेस्ट करूंगी लेकिन अगर आप डस्ट के स्किन टोन में हो लाइक like मी तो अपनी लिप्स को ज़्यादा से ज़्यादातर कोई भी डीप लाइनर से ड्रॉ कर लिया करो इससे क्या होती है जब भी आप कोई भी न्यूट कलर यू नो अप्लाई करोगे ना तो आपकी फेस जो है वो वॉश ऑफ नहीं होगी एंड मैंने यहाँ पर यूज़ किया है मामा आर्ट की ये मॉइचर मैट लिपस्टिक एंड दिस इज़ इन द शेड जीरो फोर और उसे मैं अपनी लिप्स पे एंड साथ ही साथ थोड़ी सी चिक्स पे अप्लाई कर रही हूँ आप ब्लश के इंस्टेड आपने यू नो लिपस्टिक को भी एज अ ब्लश यूज़ कर सकते हो लास्टिक मेकअप सेटिंग स्प्रे को मैंने दे दिया है और यहाँ पे हमारी जो लुक है वो कम्प्लीट हो चुका है इसी तरीके से आप कुछ सिंपल स्टेप को फॉलो करके पा सकते हो मॉनसून एवरी रहा होगा अगर लुक पसंद आए वीडियो पसंद आए देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड अगर आप चाहो तो आप अपनी फ्रेंड्स के साथ यू नो शेयर भी कर सकते हो फिलहाल आज की वीडियो में यही पे ही एंड कर रही हूँ एक गेन मैं कह रही हूँ गाइज की प्राइमर की जो लिंक होगी वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो चेकआउट करना मत भूलना मैं आप लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में टिल देन स्टे स्टे एंड टिले बाय